हेलो दोस्तों, आप सभी का सबसे ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं और उसके अंदर आपको लिमिट बढ़वानी है शॉपिंग करने की, तो आप किस तरीके से लिमिट बढ़वा सकते हैं। क्योंकि पेटीएम के अंदर क्या है कि अगर जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवाओगे तो 20,000 रुपये से ज़्यादा की शॉपिंग नहीं कर सकते एक महीने में। ये लिमिट है पेटीएम के अंदर। तो अगर आप उस लिमिट को बढ़वाना चाहते हो, अगर आप कोई महंगी चीज़ खरीदना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 50,000 की कोई लैपटॉप खरीदना चाहते हो या DSLR खरीदना चाहते हो, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है 20,000 से ऊपर की, तो आप नहीं खरीद सकते पेटीएम पे। उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं, क्योंकि एक तरीके से ट्रांजेक्शन में आ जाती है कि आप ये पैसा कहाँ से ला रहे हो, कहाँ दे रहे हो। तो ये सब चीज़ें करने के लिए डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपनी लिमिट बढ़ा सकते हो, घर बैठे आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने पेटीएम पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बार के साथ अपना प्रोफाइल लोगो दिख रहा होगा, उसके अंदर आपको जाना है ऊपर कोने में, राइट हैंड साइड। जैसे आप इसमें जाओगे तो देखो लिंक आधार फॉर KYC, तो आपको इसके अंदर जाना होगा, लिंक नाउ करना होगा। इसमें क्या है, फिर आपकी जो लिमिट है 20,000 रुपये तक आप किसी को लेन देन से ज़्यादा ऊपर नहीं कर सकते, तो आपकी ये लिमिट हट जाएगी जब आप इसमें आधार कार्ड नंबर डाल दोगे। तो यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल चुका हूँ, यहाँ पे मैं अपना नेम डाल देता हूँ। उसके बाद आपको आई एग्री करना होगा और प्रोसीड करना होगा, अलाउ करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका ये एड्रेस देगा और बोल रहा है कि ये हम अपना एजेंट भेजेंगे आपके पास आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, बात करें। तो ये हमें कॉल करके बताएंगे कि हमें अपॉइंटमेंट कब रखनी है। यहाँ पे हमारे पास एजेंट आएगा, वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे चेक कर लेगा और इस तरीके से हम अपनी लिमिट बढ़ा लेंगे। तो आपने देखा बहुत ही सिंपल तरीका था, आपको कुछ नहीं करना, बस वहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना था, अपना नेम डालना था और आपको मीटिंग फिक्स करनी थी। आपके पास घर पे उनका एजेंट खुद आएगा, आपके डॉक्यूमेंट देखेगा और ओके करके चले जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी वीडियो मैं इस चैनल पर ला के देता रहता हूँ जिससे आपकी बहुत हेल्प होती है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।